everyone, it's me Usha Mehta and today I'll be sharing my journey, my experience of having two C-section within 1 year after I lost my firstborn. It's very easy for people to say things like ki wait karna chahiye tha, wait definitely karna chahiye tha, but nahi ho pata hai. Jo us time pe mera jo mental status tha aur abhi ka jo hai, it's like very different. पूरी प्रेगनेंसी में भी इट वॉज वेरी डिफरेंट, बट वही है कि नाउ आई एम ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल और इट्स बिन 3 months सिंस आई डिलीवर माई बेबी और मेरी लाइफ उसने बदल दी है. आई फील वेरी कॉन्फिडेंट नाउ. ऐसा नहीं कि आई डोंट मिस माई कुकू, आई मिस हिम सो मच, बट जो है वो है. अब ये सब कैसे हुआ इतनी जल्दी, उसकी एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि मैं इतनी डरपोक इंसान हूँ, मुझे इंजेक्शन से इतना दर्द होता था. और अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मेरा फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज हॉरिबल, मतलब काफ़ी मुझे तो पेन हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, देखो आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड टू बेबीज, बट इस बार जब मैंने कुकू को डिलीवर किया था, I was in severe pain and I could barely walk. It was like second or third day tha after delivery. I was in washroom aur main wahan pe baith kar ye soch rahi thi ki would I will be able to bear this pain again, aur answer nahi tha kyunki mujhe lagta tha kuku mujhe complete kar deta hai, but uske baad dekho abhi sthiti dekho. I am making this video 2 C-section within 1 year. But do I have a choice? Definitely mere paas choice thi, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ मेरी चॉइस थी. एंड आई कंटिन्यूड इट. अब वो क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, आई कांट रिप्लाई दैट. देयर इज़ नो वन लाइनर आंसर फॉर इट. इट जस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुकू आ गया, मुझे इसे नहीं देख पाया. खैर उसका भी मैं बताऊँगी कि कैसे डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प मिली. वो अपने आप में बहुत मतलब स्टोरी है जिसने मुझे मतलब बहुत वो करा. खैर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस में आते हैं तो वन आई सॉ दू दे, मतलब देखो मैं बहुत पागल हो रखी थी उस टाइम पे, ठीक है. मैं दिन भर रोती थी, रात भर रोती थी, यही सोचती रहती थी क्या हुआ, क्यों हुआ. अब थोड़ा अगर रोना तो मैं अभी भी डेली ही रहता है मेरा, बट अब रेनबो की शक्ल देख के ऐसा होता है कि नहीं, शी डिज़र्व्स एवरीथिंग, उसके लिए आई हैव टू बी हैप्पी. मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ. देखो ज़िंदगी तो जीनी है एंड आई मतलब वेट तो हमेशा रहेगा क्योंकि चमत्कार होते भी हैं, मैंने सुना भी है. खैर तो हुआ क्या ना, मुझे पता किसे चला कि आई एम प्रेग्नेंट. बहुत अजीब स्टोरी है. मैं ना ऐसी लेटी हुई थी एक दिन बेड में, ठीक है, तो मेरा मैंने ध्यान दिया कि मेरा जो स्टमक है वो ऐसे हिल रहा था. इट वॉज लाइक बीट कर रहा था, ऐसे बीटिंग, ठीक है. और मेरे को ऐसे लगा कि मैं सच बता रही हूँ, ऐसी वहां. और उसके बाद से मतलब मुझे देर वॉज नो सिम्टम्स क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं आए थे, बट एक अंदर से मेरे को ऐसे फीलिंग आ गई थी एंड मैं अचानक से बहुत खुश हो गई. आई डिड टेल माई हस्बैंड. मेरी फ्रेंड बन गई थी वहां पे एक बहुत अच्छी, मैंने उसको बताया कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है. उसके पास ऑलरेडी पी टिकट पड़ी थी तो उसने मुझे दी. एंड शाम का टाइम था, ऐसे ही वॉक करके आई थी मैं, और उसको भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जब कुकू, बिकॉज ही वॉज मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफेड बेबी था, मेरा मिल्क रुका ही नहीं, तो मुझे उसके लिए मैंने ऐसी दवाइयाँ खाई है ना मतलब बंद कराने वाली, तो इसीलिए इस बार शायद रेनबो के लिए कम बे हो रहा है. ट्राइंग बट नहीं हो पा रहा मैं उसको, मतलब उतना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, बट आई एम ट्राइंग, आई एम लर्निंग, सॉरी. तो मुझे ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि 3 साल तक तुम रुको, और उस टाइम पे मेरे को पीरियड्स भी रेगुलर नहीं थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी तो कहाँ ही होगा. बट 2 लाइन्स ऐसे आ गई हैं, मैं शॉक में ही चले गई बिल्कुल. मैंने किसी को नहीं बताया, नॉट इवन माई हस्बैंड. 2 मंथ तक मैंने नहीं बताया.
मुझे ऐसा लगता था कि ये मतलब अबॉर्ट कर देंगे मुझे, डॉक्टर डांटेंगे, मैं कहूँगी चलो ठीक है जो भी, मतलब मैं इतनी इम्पल्सिव थी, मैंने कहा कि जो भी होगा ये होगा, मैं मतलब वरना मर जाऊंगी। सो डम, सो डम। देखो आई डोंट एनकरेज इट ऑल, ठीक है, आई डोंट एनकरेज इट, आई एम जस्ट शेयरिंग मैंने क्या क्या बेवकूफियाँ करी हैं। बट सेकेंड मंथ में थोड़ा नौजिया मेरा स्टार्ट हो गया और मेरे हस्बैंड को डाउट हो गया, तो उन्होंने मुझे एक दिन मतलब एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। वो इतना रो गए और उनका सा डर भी लग रहा था, उनसे कहा कि हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, और हम बहुत मतलब सच बताएं तो बहुत खुश हो गए। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, पर वो बहुत डरे हुए थे, मतलब उनको ऐसा हो रहा था कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, डॉक्टर आटे के वो तो 3 साल का गैप, मेरे हस्बैंड कहते थे मिनिमम 1 साल का तो लेंगे ही, मैं कहती थी कि 6 महीने का लेंगे, मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मतलब मैं इतना तो कहती कि 6 महीने का लेंगे, पर फिर भी ऐसा हो गया था। कमा क्या, देवी का आशीर्वाद है, देखो पता नहीं क्या है, मतलब खाटू श्याम जी का भी है, मैं सब शेयर करूँगी, वो एक अलग स्टोरी है। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने सब सुना एंड उसके बाद शी वॉज लाइक कि इट्स ओके बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि इट्स नॉट सेफ, देखो पहले कर दिया है बट अभी तुम यंग हो, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। एंड हमारा ऐसा था कि घर वालों से भी डांट पड़ेगी, वो क्योंकि हमने नहीं बताया, हमने किसी को नहीं बताया, देखो हमने कहा कि नहीं जाने देना है, और मेरे हस्बैंड भी मतलब एग्री हो गए, मैं तो थी, और हमने मतलब कर लिया कि हाँ हम रखेंगे इसको। हमने आई डिडंट इवन टेल माई पेरेंट्स, ना उनके पेरेंट्स को बताया, उनके पेरेंट्स को तो 8th month तक भी नहीं पता चला, मतलब लास्ट टाइम तक भी नहीं पता था, और मेरे पेरेंट्स को भी 6th month में मैंने बताया था। बहुत अजीब बात है। तो अब मैं शेयर करूँगी कि कैसी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट वॉज ओके, क्योंकि तब बेबी बम्प भी नहीं आता है, बट इस बार मेरा 4th month से बम्प दिखने लग गया था, मैंने देखा था कि यूटेराइन रप्चर। अब देखो डर तो था, मतलब कंटिन्यू होने लगी थी, मैं सोचती थी मेरा कुकू आ गया, हमारा ऐसा था ना कुकू आ गया, हमारे पास हम दोनों का कुकू आ गया, नहीं रह पाया, देखो हमारे हम दोनों ही डिप्रेस थे। मैं हमेशा अपनी बातें करती हूँ बट मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने तो मुझे भी संभाला ऐसे ही सब। तो वही है कि बहुत लापरवाही करी मैंने, मन करता था खाती थी नहीं खाती थी, रोना धोना पूरी प्रेगनेंसी भर रोई हूँ मैं, मेरी बहुत मैंने लापरवाहियाँ करी हैं। अब मुझे मतलब मेरा मॉम गिल्ट इतना बढ़ गया है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि व्हाट इफ अगर वो कुकू जैसे नहीं दिखेगा, वो आई विल बी एबल टू लव हिम, और हर बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे अंदर। अब क्या हुआ, 4th month स्टार्ट हो गया था, आई वॉज स्क्रॉलिंग मतलब मैं इंस्टा देख रही थी, तो तभी एक रील मेरे सामने आती है जिसमें एक लेडी की 14 months में 2 C-section हो गए थे, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड रील डाली थी। तो वहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन खोला और मेरे को इतनी लेडीज़ मिली जो मेरी ही तरह ऐसे, जिन्होंने लापरवाही करी है, और मुझे ऐसा लगा कि वही होता है कि थोड़ा डिस्कस कर लूँ, तो आई डी एम डैम और मैंने बात करी एक दो लेडीज़ से, तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि और उनके साथ तो कुछ ऐसा ट्रॉमा भी नहीं था, मतलब मेरा तो मेरा बेटा गया था, मैं तो ऐसी पागल हो रखी थी, बट उनका तो एवरीथिंग वॉज फाइन, बट स्टिल वो इतना मतलब केयरलेस थे। मतलब देखो उससे पता चलता है कि हम औरतें कितना अपने आप को तवज्जो कितनी कम देती है, मतलब हम कैसी होती हैं। मैंने बात करी तो बोल रही हैं कि बहुत अब बॉडी पे पेन रहता है, कोई बता रहा है कि उनके पूरे लेग क्रैम्प्स रहते हैं, तो फिर मैंने बोला कि ये तो दो दो बच्चे हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक बच्चा नहीं संभल पाता, दो दो बच्चे आप हैंडल कर रहे हो तो उससे भी होता होगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर फाइन, वो कह रहे थे कि स्टिचेस तो हील हो गए थे। तो उन लोगों से बात करके मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, थोड़ा मैंने रिसर्च वगैरह करी, तो देखो थोड़ा किस्मत भी होती है, क्योंकि ये गायनोकोलॉजिस्ट थे, वो बता रहे थे कि मतलब उन्होंने नेट में ये सब सब वैसे से पढ़ रही थी मैं, उन्होंने एक आर्टिकल में डाला था कि उन्होंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें विद इन 3 ईयर्स ऑफ सिजेरियन भी यूटेराइन रप्चर के केसेस आए हैं एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, बट कोई कोई केसेस ऐसे भी है कि 1 ईयर में ही दूसरा सी सेक्शन है और एकदम सेफली हो गया। तो थोड़ा बॉडी पे भी डिपेंड करता है
कितना आपकी बॉडी और स्टिचेस हील हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब जब मैं इसमें कूदी गई थी तो फिर बढ़ रही थी, रोना धोना मेरा चलता रहता था, कुकू आएगा, सारे भगवानों को मैंने पूजा, सारे मंदिरों पे वही मन्नत सब वही किया, क्योंकि देखो हमें एक आस होती है जो जाएगा वही आएगा। तो कभी कभी डाउट होता था कि अगर दूसरे बेबी को क्या मैं प्यार कर पाऊँगी, बट ट्रस्ट मी जब मैं ओटी में थी ना इस बार, और जैसी इस बार, क्योंकि अगर आपको पता होगा सेकेंड सीजेरियन लंबा भी चलता है, और मैं मुझे पूरे प्रेगनेंसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम रही, तो मुझे ऑक्सीजन मास्क लग गया था, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ था, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, और मुझे मैंने मैं इतना लॉस्ट थी कि मैंने रेनबो की मतलब रोने की भी आवाज़ नहीं सुनी। एंड आई आस्क्ड देम क्या हुआ, कुकू हुआ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि बेटी हुई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द मोमेंट आई हर्ड दिस आई वॉज ए पी, मतलब पीस, मुझे इतनी शांति मिली, मुझे आधे मैंने स्माइल किया एंड आई वॉज हैप्पी एंड आई लव हर सो मच नाउ। मतलब प्रेगनेंसी में तो ऐसा था ना, बट अभी मैं रेनबो को भी, मैं मुझे रेनबो भी चाहिए, मुझे कुकू भी चाहिए, बट मुझे रेनबो भी चाहिए, इट्स इक्वल। मतलब हाँ थोड़ा कुकू के लिए थोड़ा मेरा वो रहता है कि एक रहता है, बट रेनबो के लिए भी बहुत है, और शी डिजर्व्स एवरी थिंग। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी हैप्पी, मुझे उसे सब कुछ देना है, मुझे ऐसा रहता है। देखो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक गुजरा, सेकेंड में भी ठीक गुजरा, बट मेरा थोड़ा बम्प जल्दी आने लग गया था। थर्ड में मैं चल नहीं पा रही थी, इतना पेन हो गया था मेरे पाँव में, बहुत मतलब सूजन आ गई थी। डिलीवरी डेट पास आई तो मेरे को जल्दी डिलीवरी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को नीचे प्यूबिक एरिया में इतना प्रेशर फील होने लग गया था। 37 वीक्स में ही मैंने रेनबो को डिलीवर करा, और डेट मेरी मई की थी, सॉरी अप्रैल की थी, बट मई में जून मार्च में वो हो गई। देखो डिलीवरी के टाइम तो ये तो काफ़ी लंबा चला, और लोग कहते हैं पेन नहीं हुआ, पेन भी बहुत हुआ। और उसके बाद ना मेरे स्टिचेस भी पक गए उसमें, इस बार मेरा मतलब वेट गेन भी नहीं गया। हाँ यूटेराइन रप्चर जैसी चीज़ों से मैं बच गई, बट हीलिंग और रिकवरी प्रोसेस काफ़ी स्लो थी, और ऊपर से मेरी रेनबो भी काफ़ी क्रैंकी रहती थी, वो कुकू की तरह मेरा कुकू ऐसे ही सोता था, इतना अच्छा बच्चा बन के, मैं उसको उठा उठा के फीड कराती थी, मुझे सोता था कब उठेगा, कब मैं इसको पकड़ूंगी, और रेनबो के साथ सोता था कब सोएगी। मेरे कुकू ने मुझे कभी तंग नहीं किया, बस अब ऐसा लगता तो मतलब यही हुआ। अब फिर क्या हुआ कि मेरा एंटीबायोटिक का कोर्स चला, जब मेरे स्टिचेस मतलब एक स्टिच पक गया था उसमें से वाइट डिस्चार्ज होने लग गया, फिर मेरा 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स चला, उन्होंने मुझे फिर ऑइंटमेंट दिया, फिर बाकी ओके था। बट वेट गेन भी मतलब मेरा लास्ट टाइम मैं 69 तक पहुंची थी, और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुई थी 57 हो गया था, बट इस टाइम मैं 80 तक गई, और जब वापस भी आई तो मैं 70 ही आ पाई, और अभी भी आई एम करेंटली लाइक स्ट्रगलिंग विद वेट। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहा, बट रेनबो को जब मैं पकड़ती थी शी रिजेंबल्स कुकू अलॉट, बट शी इज़ नॉट कुकू, आई कैन फील द डिफरेंस। अब रेनबो उस एज में पहुंच चुकी है जिस एज में मैं कुकू को नहीं देख पाई, तो अब उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं, शी स्माइल्स अ लॉट, और उसकी एक्टिविटीज़ ऐसे ना मतलब आई रियलाइज ये ना, जब आप ऐसे आपका बेबी ऐसे जाता है, उसके बाद जब आप दूसरा बेबी करते हो और वो ऐसे माइलस्टोन टच करते हैं ना, जो माइलस्टोन आपके फर्स्ट बॉर्न ने नहीं बिताए होते हैं, तो आप खुश तो बहुत होते हो पर आप दुखी भी बहुत होते हो, क्योंकि आपको वही चीज़ याद आ रही होती है। इस बार जब मेरे मतलब कुकू का फर्स्ट बर्थडे आया, उस टाइम पे मैं रेनबो को लेके हॉस्पिटल में थी, रेनबो को जॉइंटिस थोड़ा ज़्यादा था, तो उसकी फोटोथेरेपी हुई,
मुझे वही दिन याद आ रहे थे जब देखो आई एम नॉट हील्ड एट ऑल, इट्स जस्ट लाइक कि ये बातें आती हैं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा कम इस तरफ जाऊँ, क्योंकि मुझे खुश रहना बहुत ज़रूरी है, रेनबो को देखना बहुत ज़रूरी है। बट ये चीज़ मैं इसलिए शेयर करी क्योंकि मेरी जैसी बहुत लेडीज़ हैं इतनी अनफॉर्चुनेट, और हम कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा हम बच्चों को याद करेंगे अपने जो गए हैं। तो जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं जो इतनी अनफॉर्चुनेट हैं उनको तो मैं कुछ समझा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं। बट फिर भी मैं उन लोगों को जो जैसे मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में देखा इतना केयरलेसनेस, मुझे लगता है कि यू गाइज आर वेरी लक्की, गिव टाइम टू योर सेल्फ यार, आप लोगों को क्या ज़रूरत है, मत करो खिलवाड़। जस्ट बिकॉज ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं उतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में नहीं आई, डजेंट मीन कि सब लोग मतलब इतनी सेफली हो जाए। और दूसरा इससे क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसे डिसीजन जल्दीबाजी में ले लेते हैं और फिर वो गलत हो जाए तो फिर फ्यूचर में भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे यहाँ की जो, क्योंकि मैं तब MH में दिखा रही थी, उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो लेडी डॉक्टर ने बोला था कि बेटा इतनी जल्दी इस बार मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी हुई, मैं तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, मैं समझा नहीं सकती, बहुत प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ही डिफरेंस था, मेरे बैक एक इतना रहता है ना, इतना ज़्यादा मेरे को दर्द रहता है, और फ्यूचर प्रेगनेंसीज भी इफेक्ट हो सकती है इन सब चीज़ों से। तो मैं इस चीज़ को एनकरेज तो नहीं करूँगी, बट यही था कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था तो मैंने कर दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू।